नमस्कार दोस्तों, ये है दैनिक आवाज। दैनिक आवाज आपको लेकर चलते हैं पुष्कर में, जहाँ पुष्कर मेले का जो आगाज होने वाला है। और अभी हम चल रहे हैं घाटी पर, जो है पूरी पुष्कर घाटी कहलाती है दोस्तों। यहाँ से घाटी होके पुष्कर की तरफ रास्ता जाता है, ये पूरा देख सकते हैं आप, पूरी घाटी है। और हम पुष्कर मेला मैदान में पहुंच चुके हैं, ये मैदान में जहाँ पर आज जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित व एस जी पूनाराम जाट संभाग के मीना ने झंडा रोहण करके मेले का उद्घाटन किया है। इसी के साथ नगर वादन है करते हैं। तो कुछ देर में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित संभाग का झंडा रोहण करके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर इसका जो शुरुआत की जाएगी। इससे पहले ही यदि कि थोड़ी का जो नाम से आपको बता रहे हैं, इस तरह से थोड़ी भी यहाँ पर अपना कर्तव्य खा रही थी, आ गई झंडा रोहण करने के लिए एकदम आ चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर है जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ है जो मेले की है एक शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पर है जो श्रद्धालु की दौलत व्यक्त करेगी, कई कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। खेल कबड्डी है, प्रतियोगिता है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, मटका रेस है, अन्य कई खेल का आयोजन यहाँ पर मेले में होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर है जो एक पशुपालन है, इसी की भी यहाँ पर आग बड़े लगेगी। और हमें आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर भारती दीक्षित संभाग के आयुक्त और चूनाराम चाट यहाँ पर जो पूजा अर्चना के साथ यहाँ मेले का है जो कुछ देर में उद्घाटन करेंगे। अभी पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर जो मेला मैदान है यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ अभी झंडा रोहण किया जा रहा है। इस झंडे के साथ ही निश्चित रूप से जो मेले का शुभारंभ यहाँ पर होगा। मेला मैदान में अस्त वंश की आवक तेजी शुरू हो गई है। पिछले 4 साल से सोने पर थोरों में दंगल सजने लगी है। रंग बिरंगी सजी दुकानें पशु और रंभार्थी भूतों पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। आप देख सकते हैं झंडा रोहण के साथ ही मेले का उद्घाटन हो चुका है। सैलानी के यहाँ भी आवाज गुजारे हुए राष्ट्रगान के साथ आप पुलिस चलते हैं पशु पालकों की ओर, जहाँ पर एक अच्छी सी नस्ल यहाँ पर देखने को मिला, जिस प्रसन्न मेले के आने वाले श्रद्धालु पशुपालक पशुओं के लिए भी दोनों एवं मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम यहाँ किया गया है। पशुपालक विभाग से एक निदेशक व परिहार अधिकारी बनाया गया है। विभाग की ओर से मेला क्षेत्र में पशुओं के पीने के लिए पानी के लिए भी लगभग 40 खोलियाँ बनाई गई है। बिजली की व्यवस्था यहाँ की गई है। पशुओं के इलाज के लिए चिकित्सक यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी 24 घंटे सेवारत मरीज रहेगी। मेले के उद्घाटन मौके पर पशुपालन विभाग की ओर से भी मेला स्टेडियम पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। संभाग आयुक्त बील मीणा डॉक्टर भारती दीक्षित वही चूनाराम जाट सहित मेले का उद्घाटन करा है। इसके बाद ही पुष्कर का धार्मिक मेला कार्तिक शुक्ल एकादश में पूर्णिमा तिथि 5 दिन रहेगा। इस दौरान देश विदेश के हजारों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। कार्तिक माह के पहले पंथी स्नान भी साथ ही धार्मिक मेला शुरू हो जाएगा। मेले का समापन 27 नवंबर यानी पूर्णिमा तिथि को होगा। इस अवसर पर मेला मैदान में रंगारंग समापन समारोह भी आयोजित किया गया है। पशु मेले में विधिगत उद्घाटन के मौके पर शनिवार को शाम को 52
घाटों पर दीपदान किया गया है। श्रद्धालु प्रसाद सिंह अधिकारी पुरोहित ने सरोवर घाट पर दीपदान किया। ऐसे घाटों के दीप की रोशनी से जगमग उठकर दौरान घाटों पर रंग